नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। असुरों के बारे में अभी चर्चा चल रही है, नवरात्र है और असुरों पर द फ्रीडम में कई वीडियो बना करके अभी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दरअसल ये जानना जरूरी है कि जिस असुरों की बात की जाती है वो असुर प्रजाति अब भी हमारे देश में है और बिल्कुल हमारी आपकी तरह वो इंसान हैं। वो कहीं से डरावने नहीं हैं, इंसानों को नहीं खाते, हमारी आपकी तरह ही हैं, इंसानों से कोई अलग प्रजाति नहीं है। और वो आज भी ये मानते हैं कि महिषासुर उनके पूर्वज थे, महिषासुर की पूजा करते हैं, उनके मारे जाने का शोक मनाते हैं। बुजुर्ग असुरों का कहना है कि महिषासुर उनके राजा थे और उन्हें कोई मार नहीं सकता था, परंतु वे बहुत बड़े सिद्धांतवादी थे, वे निहत्थों और महिलाओं पर वार नहीं करते थे। उनकी इसी बात का फायदा उठाकर उन्हें एक स्त्री से धोखे से आर्यों ने मरवा दिया। ये बात असुर समुदाय में आज भी प्रचलित है। युवा असुर अब नए फैशन के कपड़े पहनने लगे हैं, दुर्गा पूजा में भी शामिल होते हैं, लेकिन बुजुर्ग नहीं शामिल होते। वरिष्ठ पत्रकार और फॉरवर्ड प्रेस के संपादक प्रमोद रंजन द्वारा संपादित किताब महिषासुर मिथक व परंपराएं में लिखा है कि असुर ब्राह्मणों से आज भी नफरत करते हैं, इस हद तक कि किसी ब्राह्मण पुरोहित को देखने के बाद घृणा से असुर जमीन पर थूकते हैं। युवा असुर तो दुर्गा पूजा में शामिल होने लगे हैं, लेकिन बुजुर्ग असुर आज भी दुर्गा पूजा देखने तक नहीं जाते। इसका कारण असुर लोग ब्राह्मणों से घृणा होना बताते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके में जलपाईगुड़ी जिले में स्थित अलीपुरद्वार के पास माझेर डाबरी चाय बागान में रहने वाली एक जनजाति के लोग दुर्गा पूजा के दौरान मातम मनाते हैं। ये देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे महिषासुर को मानने वाले, ये मानने वाले कि महिषासुर उनके पूर्वज थे या वो असुर समुदाय से हैं, आज भी पूरे देश में कैसे फैले हुए हैं। ये जलपाईगुड़ी की बात है, पश्चिम बंगाल की। तो वो जनजाति दुर्गा पूजा के दौरान मातम मनाती है और इस दौरान, मतलब नवरात्र के दौरान, वे न तो नए कपड़े पहनते हैं और न ही वे घरों से बाहर निकलते हैं। ये लोग असुर और महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। वे मानते हैं कि दुर्गा ने महिषासुर की हत्या की थी, इसी वजह से वे मातम मनाते हैं। इस जनजाति के बच्चे मिट्टी के शेर के खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन उन खिलौनों में सिर नहीं होता। शेर का जो खिलौना है उसमें सिर गायब रहता है। होता यह है कि वे शेर को दुर्गा का प्रतीक मानते हैं बच्चे, और खिलौने तो बनाते हैं सिर सहित, लेकिन बाद में उस शेर के खिलौने में जो सिर है उसको मरोड़ करके सिर को तोड़ देते हैं। बड़े एक साहित्यकार हैं, खास करके आदिवासी विमर्श के बड़े नाम हैं अश्विनी कुमार पंकज। अश्विनी कुमार पंकज झारखंड के संथाल आदिवासियों में प्रचलित एक प्रथा के बारे में बताते हैं। संथाल इसे दासाएं पर्व कहते हैं। यह दुर्गा पूजा के साथ ही चलता है। इसमें संथाल युवकों की टोली बनती है। सभी योद्धाओं की पोशाक में लैस रहते हैं टोली के सारे लोग। टोली के आगे आगे नेता के रूप में कोई बुजुर्ग चलता है। वह प्रत्येक घर में घुसकर गुप्तचरी करने का अभिनय करता है, स्वांग करता है, उस तरह से एक्टिंग करता है कि वह हर घर में जासूसी कर रहा है। दरअसल यह टोली प्रत्येक घर में अपने सरदार को खोज रही होती है जो कि उनसे बिछड़ गया है। इस तरह टोली युद्ध की मुद्रा में नृत्य करते हुए आगे बढ़ती है। दशाएं पर्व में संथालों की टोली जिस सरदार को खोज रही होती है उसका नाम दुर्गा होता है। इसकी कथा इस तरह की है, इस त्योहार से जुड़ी हुई पूरी कथा वो एके पंकज बताते हैं कि दुर्गा बाहरी अत्याचारी आक्रमणकारियों से युद्ध करता है, मतलब किया था। उसकी ताकत से आक्रमणकारी भयभीत हो जाते हैं और वे छल का सहारा लेते हैं। इसके लिए वे एक बदमाश औरत का सहारा लेते हैं और औरत उससे पूछती है आक्रमणकारियों से कि ठीक है वो मदद करेगी, लेकिन उससे क्या लाभ होगा। आक्रमणकारी कहते हैं कि अगर उसने अपने जाल में फंसकर दुर्गा को बंदी बनाने में साथ देगी तो युगों युगों तक उसकी पूजा होगी। इस तरह से संथालों का सरदार दुर्गा उस बदमाश औरत के छल से बंदी बना लिया जाता है और फिर मार डाला जाता है। आदिवासी सरदार दुर्गा को मारने के कारण उस औरत को दुर्गा की उपाधि मिली।
दुर्गा को मारने में 9 दिन और 9 रात लगे, इसलिए नवरात्र का प्रचलन हुआ। इसी कारण दुर्गा की जब मूर्ति बनती है तो एक मुट्ठी मिट्टी वेश्यालय की भी मिलाई जाती है। खास करके नवरात्र और ये दुर्गा पूजा का जहां से प्रचलन शुरू हुआ बंगाल से, जहां से फिर बाकी सब जगह फैला, बंगाल में आज भी जब कोई मूर्ति बनती है दुर्गा की तो एक मुट्ठी मिट्टी कम से कम किसी वेश्यालय से भी लाई जाती है। एके पंकज का कहना है कि यह कथा मनु आदि दुर्गा सप्तशी का आदिवासी पाठ है। 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में मारी जा चुकी पत्रकार गौरी लंकेश ने अपनी रिपोर्ट रिक्लेमिंग महिषासुर में इतिहासकार विजय महेश के हवाले से लिखा था असुरों के बारे में। गौरी लंकेश से हम सभी परिचित हैं करीब करीब, चूंकि उनकी हत्या काफी चर्चित रही थी। तो वो अपनी एक रिपोर्ट लिखी थी रिक्लेमिंग महिषासुर, उसमें इतिहासकार विजय महेश के हवाले से लिखा है गौरी लंकेश ने अपनी रिपोर्ट में कि 1926 में मैसूर विश्वविद्यालय ने इंडियन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के लिए नियम पुस्तक नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। उसमें कहा गया कि कर्नाटक राज्य में असुर मुखिया लोगों के कई गढ़ थे। उदाहरण के लिए गुहासुर अपनी राजधानी हरिहर से राज्य करते थे, हिडिंबासुर चित्रदुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे, बकासुर रामनगर के शासक थे, महिषासुर मैसूर के राजा थे। यह सारे तथ्य यही बताते हैं कि आर्यों के आगमन से पहले इस पूरे क्षेत्र पर देशज असुरों का राज था। आर्यों ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी लेख में लंकेश ने उसी इतिहासकार के हवाले से आगे लिखा है कि देवता अच्छी तरह जानते थे कि असुर राजा कभी भी महिलाओं के खिलाफ अपने हथियार नहीं उठाएंगे। इनमें से अधिकांश महिलाओं ने असुर राजाओं की हत्या कपटपूर्ण तरीके से की है। अपनी शर्म छिपाने के लिए देवताओं ने इन हत्यारी औरतों के 10 हाथों अद्भुत हथियारों आदि की कहानियां गढ़ी। ये बातें गौरी लंकेश के उसकी उस रिपोर्ट में दर्ज है। वैसे भी झारखंड में अभी जीवित हैं और झारखंड के सबसे बड़े नेता और सबसे महान नेता, जिनके विपक्षी भी उन्हें पैर छूकर प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, और मुख्यमंत्री भी वहां के रह चुके हैं, शिबू सोरेन ने कई बार कई इंटरव्यू में बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि महिषासुर रावण आदि आदिवासी समुदाय के पुरखा तथा आदि गुरु हैं। बहुजन समाज उन्हें शिबू सोरेन ने कहा है इसी बयान में आगे कि बहुजन समुदाय से आने वाले युवाओं को महिषासुर रावण आदि की शहादत नहीं भूलना चाहिए। असुरों के बारे में हम अभी और कई जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, असुर समुदाय को लेकर के, महिषासुर की कहानियों को लेकर के, और इससे संबंधित कई वीडियो अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश होगी हमारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।